गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 10 है। इस एक्सरसाइज में हम ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में पढ़ा था। देखो, लुक एट द नंबर लाइन शो बिलोंग, है ना। ये लाइन जो है ये 0 से 10 तक के नंबर शो कर रही है। पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर और लेस, ग्रेटर देन एंड लेस देन इन द वाइट स्पेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो, यहाँ नंबर दिए गए हैं और ये वाइट लाइन है, इसको खाली छोड़ी गई है। तो ये देखो, ये आपको पता है ये वाला चिन्ह है वो ग्रेटर देन का है और ये वाला जो चिन्ह है वो लेस देन का है। वो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, ये बड़ा, इसे बड़ा कहते हैं और इसे छोटा कहते हैं। ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है। तो हम अब करेंगे एक्सरसाइज। देखो, 7 और 5 मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ, है ना, जब यहाँ संख्या बड़ी होती है तो ये कौन सा सिंह लगता है, कौन सा चिन्ह लगता है, है ना, ग्रेटर देन का। और यहाँ संख्या जब छोटी होती है, है ना, तब यहाँ लेस देन का चिन्ह लगता है। आप देखो 7 और 5, तो ये क्या है, ग्रेटर देन। तो यहाँ हमने ग्रेटर देन का लगाया। नेक्स्ट है देखो 5 और 9, तो यहाँ कौन सा लगेगा, ये कम है ना संख्या, तो यहाँ लेस देन, ठीक है। 2 और 7, यहाँ भी देखो 2 छोटी संख्या है तो यहाँ भी लेस देन का लगेगा। यहाँ 4 और 3, है ना, तो 4 आप देखो 4 है, 4 बड़ी संख्या है तो यहाँ ग्रेटर देन का लगेगा। ऐसे ही 9 और 6, 9 जो है बड़ी संख्या है तो यहाँ क्या लगेगा, ग्रेटर देन। ऐसे ही 1 और 3, इसमें क्या लगेगा, 3 बड़ा है और 1 छोटा है तो इसमें क्या लगेगा, लेस देन। ऐसे 7 और 4, 7 बड़ी संख्या है, 4 छोटी संख्या है तो इसमें क्या लगेगा, ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट है देखो 5 और 7, यहाँ कौन सा लगेगा, लेस देन, ठीक है। यहाँ 6 और 3, 6 बड़ी संख्या है और 3 छोटी है तो यहाँ क्या लगेगा, ग्रेटर देन। ऐसे 8 और 4, 8 बड़ी संख्या है तो यहाँ क्या लगेगा, ग्रेटर देन। 3 और 2, 3 बड़ी संख्या है तो यहाँ ग्रेटर देन। ऐसे ही 5 और 1, 5 जो है वो बड़ी संख्या है तो इसमें किसका लगेगा, ग्रेटर देन। अब आपको ये अपनी नोटबुक में, बुक में फिल करना है और नोटबुक में आपको इसे करना है,